Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccanistani Reactions. In today's video, I'll react to a video of Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik replies to Kareena Kapoor remarks about fasting and Islam. Maine Saif Khan se shaadi ki hai, Islam se nahi. Dr. Zakir Naik ne Kareena Kapoor ke bolti band kar di. So let's start the video. 1, 2, 3. No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any roza as such. No, and I mean not at all. Assalamu alaikum, dosto. भारत और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब के लोग बसते हैं जिनके दरमियान अक्सर रिश्ते भी हो जाते हैं। अक्सर हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी कर लेती हैं जबकि मुसलमान लड़कियां गैर मजहब से शादी कर लेती हैं। इनमें अक्सर खवातीन को अपना मजहब छोड़ना पड़ता है। ताहम इस्लाम में अपना मजहब छोड़ने की इजाज़त नहीं है जिसकी वजह से मुसलमान लड़की से शादी करने के लिए दीगर मजाहिब के लोगों को मुसलमान होना पड़ता है। कुछ केसेस में यूं भी होता है कि मियां बीवी अपने अपने मजहब में रहते हुए जिंदगी गुजारते हैं। उन्हीं में से एक केस सैफ अली खान और करीना कपूर का है। ये दोनों भारत की मशहूर फिल्मी शख्सियत हैं। चंद साल पहले उनके दरमियान शादी का रिश्ता हुआ। उनके दो बच्चे भी हो चुके हैं जिनके नाम मुसलमानों वाले हैं। ताहम चंद दिन पहले करीना कपूर से जब सवाल किया गया कि क्या आप रोजे रखती हैं या इस्लाम को फॉलो करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने शादी सैफ अली खान से की है, उसके दीन से नहीं। करीना कपूर का ये पूरा बयान सुनिए जिसके बाद हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इस पर क्या कहना है। Since it's a time of Ramzan, have you kept any rozas and are you following some kind of plan for that? No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such? No, and I mean not at all. दोस्तों, सैफ अली खान और करीना कपूर की जिंदगी के तनाजुर में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा गया। सवाल पूछने वाली लड़की हिंदू थी। लड़की ने सवाल किया, जब एक मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की में शादी हो जाए, एक ही घर में लड़का नमाज पढ़े और लड़की पूजा करे, तो क्या ये जायज है या नहीं? Why can't a Muslim girl get married to a non-Muslim guy and still follow Islam? लड़की के सवाल को डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफी सराहा क्योंकि यह मसला भारत में काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए एक जबरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा कि हर चीज के कुछ कवायद होते हैं। फर्ज करें आपके पास एक कार है जिसका एक पहिया ट्रैक्टर का और एक साइकिल का है, तो ऐसी गाड़ी चल सकेगी क्या? The logical reason, sister, is that in a car or in a vehicle, a one tire is off a bicycle and the other tire is of a truck. So will the vehicle run? But naturally no. All the four tires should be equal. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से कुरान पाक की आयत का तस्करा किया। उन्होंने बताया कि सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप यानी मुसलमान मुशरिका औरत से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न ले आए, जबकि एक ईमान लाने वाली औरत चाहे जितनी भी बदसूरत हो एक मुशरिका औरत से बेहतर है, जबकि लड़कियां मुशरिक मर्द से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान न ले आए। एक मोमिन आदमी बेहतर है चाहे वो कितना बदसूरत हो इससे जो शिर्क करता हो। अल्लाह से इन द कुरान इन सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 221 दैट डू नॉट मैरी अ मुशरिक अंटिल ही बिलीव्स, डू नॉट मैरी अ आइडल वर्शिपर, डू नॉट मैरी अ नॉन बिलीवर अंटिल ही बिलीव, इवन अ बिलीवर, even if he is a slave man, even if he is a bondsman, he is far better than a non-believer, than a mushrik man, than a non-muslim man, even if he allows you. Dr. Zakir Naik ne is ayat ki wajah batate hue kaha ki agar aap khuda ke ilawa kisi aur ko poojte hain, kisi aur ki ibadat karte hain, ye sab bada gunah hai. Dr. Zakir Naik sahab ne Quran Pak ki ek aur ayat ka hawala dete hue bataya. Surah Nisa mein ayat 48 aur 116 mein Allah Taala farmate hain, Allah Taala agar chahe to kisi bhi gunah ko maaf kar sakta hai lekin shirk ko kabhi maaf nahi karega. Agar ek insaan mushrik mar gaya to Allah Taala kabhi bhi use maaf nahi kar sakta kyunki mushrik वो शख्स है जो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर हम अपने खालिक को मालिक ईश्वर और खुदा को गाली देंगे तो ये सबसे बड़ा गुनाह है जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें दुनिया में दी। अगर हम इसको गाली देंगे उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे
तो ये शिर्क होगा। डॉक्टर जाकिर नाई कहते हैं कि इसलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की किसी मुशरिक लड़के या लड़की से शादी करे, क्योंकि इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाई का हिंदू लड़की के सवाल पर जवाब आपको कैसा लगा? डॉक्टर साहब की दलील से मुतालिक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तो ये था डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब। और हम सब जानते हैं कि एक मुसलमान एक मुशरिक औरत या एक मुसलमान औरत जो है एक मुशरिक मर्द से शादी नहीं कर सकती है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इंडिया के बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने ये काम किया है और सेलिब्रिटीज़ को जो है वो आइडल माने जाते हैं इंडिया में, तो उसको फॉलो करते हैं। तो जो आम लोग हैं उन्होंने भी ये काम करना शुरू किया है, मुसलमान और हिंदू के बीच में शादियाँ होना शुरू हो गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल दी एज़ यूजल। उनका जो अंदाज है रिप्लाई देने का, जवाब देने का, बहुत ही यूनिक है। और जिस तरह उन्होंने मिसाल दी है कि एक गाड़ी की अगर दो अलग अलग टायर्स हैं तो वो क्या चल सकती है, तो जवाब है नहीं, टायर्स जो है वो इक्वल या बराबर होने चाहिए जब ही वो गाड़ी चलेगी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक मुसलमान और एक मुशरिक दोनों शादी कर लें तो उनकी ज़िंदगी सही जाएगी, उनके बच्चे जो हैं वो उनकी बच्ची की परवरिश जो है वो ख़राब होगी, उनका अकीदा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से जो है इजाज़त नहीं है किसी मुस्लिम को किसी मुशरिक से शादी करने की, इजाज़त नहीं है इस्लाम में। हिंदू माँ जो है वो बच्चों को पालेगी तो उन बच्चों की परवरिश कैसी होगी, कैसे वो एक अच्छे और सच्चे मुसलमान हो सकते हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो इस्लाम इजाज़त नहीं देता है इस चीज़ का। तो ये हिंदुओं के सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने मजहब को हिंदू मजहब से बचाएं और अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दें ताकि वो अच्छा डिसीजन लें और कभी जो है अपने मजहब पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दें और अच्छा और बुराई की तमीज़ जो है सिखाए ताकि वो ऐसा कभी ऐसा इख्तियार ना करें और सिर्फ जो है अपने मजहब से ही शादी करें, अपने मजहब को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अमनीला।